एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स इंग्लिश का चैप्टर नंबर सिक्स। इस चैप्टर का नाम है इन द हार्ट ऑफ अ सीड। इस चैप्टर में ना हमको पोएट ने बताया है कि किस तरीके से एक छोटा सा बीज एक पौधे में बदलता है, उसकी पूरी जर्नी बताई है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसी जर्नी होती है एक बीज की। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, बड़ी डीप, सो डीप, अ डियर लिटिल प्लांट ले पास्ट अस्लीप। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट ने हमको बताया है कि किस तरह एक जो छोटा सा बीज होता है वो बीज जमीन के अंदर, देखिए यहाँ पे बरीड वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब है कवर्ड, अच्छे से ढका हुआ। तो जो बीज होता है वो मिट्टी के अंदर ढका हुआ होता है ना मिट्टी से, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड का यूज हुआ है। तो मिट्टी से जो बीज ढका हुआ है अच्छे से, वो अभी सो रहा है। वो बीज मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर एक गहरी नींद में सो रहा है। वेक, सेड द सनशाइन एंड क्रीव टू द लाइट। वेक, सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट। तो इस स्टैंजा में जो सूरज की रोशनी है, जो सनशाइन है और जो रेन ड्रॉप्स है, वो उस बीज को जागने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि पौधों को, पेड़ को सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए सूरज की रोशनी और पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें उससे कह रही है जाग जाओ, अब जागो, अब जागने का वक्त आ गया है। द लिटिल प्लांट हर्ट एंड इज रोज टू सी व्हाट अ वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। तो जो छोटा सा बीज होता है, वो जो पेड़ बनने वाला होता है, एक पौधा बनने वाला होता है, वो सुन लेता है सनशाइन और रेन ड्रॉप की आवाज़ को सुन लेता है और फिर वो बाहर आता है, रोज करता है। रोज का मतलब होता है बाहर आना, बड़ा होना, ग्रो करना। तो वो ग्रो करता है, वो जो बीज होता है वो एक पौधे में बदल जाता है और ज़मीन से बाहर आता है और वो देखता है कि कितनी खूबसूरत दुनिया है। ज़मीन के बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। तो वो मिट्टी के अंदर होता है, तो जब मिट्टी से बाहर आता है, जब ज़मीन से बाहर आता है, तो उसको बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की छोटी सी पोयम। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम अगला चैप्टर बनाएं, अगले चैप्टर पर वीडियो बनाएं, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।